अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक नई रेसिपी कीमा करेले के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कीमा करेले बनाने के लिए हमें करेले चाहिए। ये 750 ग्राम करेले हैं जिन्हें मैंने छीलने के बाद इनको अच्छी तरह से जो है वो इसको इस पर नमक लगा दिया था काटने के बाद, और इसको एक घंटा तक जो है वो नमक में इसी तरह से रखा रहा। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ने के बाद साफ़ पानी से धो लिया है। इस तरफ हमारे पास प्याज है, ये 4 से 5 जो है वो मैंने प्याज ली है जिनको इस तरह से स्लाइस में इसकी जो है वो कटिंग कर ली है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 500 ग्राम जो है वो चिकन है जिसके क्यूब्स के अंदर जो है वो इसकी कटिंग की हुई है। और इसका कीमा बनाने के लिए जो हमने कीमा भूनना है उसके लिए एक छोटी प्याज है, ये इसको भी स्लाइस में कटिंग कर लिया है। टमाटर हैं, ये 2 टमाटर जिनके बीज निकालने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून जो है वो कलौंजी और 1/4 टीस्पून ही हमारे पास मेथी दाना है। मसालों में हमें नमक चाहिए जो कि 1 टेबल स्पून है। इसी तरह से 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है, हम सबसे पहले इसमें करेले डाल देंगे और इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। करेले आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो गए लेकिन अभी इसमें बहुत लाइट कलर आया है, इसको और गोल्डन करेंगे। करेले बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर में आ गए, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। करेले फ्राई हो चुके हैं। जिस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया है उसी में हम प्याज को डाल के फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, इससे ज़्यादा अब हम इसको जो है वो फ्राई नहीं करेंगे। अब ये सारी प्याज मैं बाहर निकाल लेती हूँ। करेलों का कीमा तैयार करने के लिए 1/4 कप ऑयल जो गर्म हो रहा है इसमें इस प्याज को डाल देंगे। प्याज आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो गई है, इसमें हम ये मिक्स गर्म मसाला डालेंगे जिसमें एक दालचीनी है और दालचीनी के स्टिक्स है। इसके अलावा इसमें ये बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग है और थोड़ी सी 8 से 10 जो है वो काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको हल्का सा फ्राई करके इसमें टमाटर पेस्ट डालेंगे। टमाटर पेस्ट को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसमें ये सारे मसाले का ऐड कर देंगे। और 1/4 कप पानी डालेंगे। जैसे ही मसाला भून जाता है फिर हम इसमें चिकन डालते हैं। अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून के किनारों से इसका ऑयल निकल आया है, अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। चिकन को मसाले के अंदर थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे ही ये पिंक से वाइट होती है तो इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। चिकन पिंक से वाइट हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूंगी और चिकन को हम गलने के लिए रख देंगे। कीमा तकरीबन 20 से 25 मिनट में दरमियानी आंच पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमने करेले फ्राई किए थे और प्याज ये मैंने एक ही बॉल में कर दिए थे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना। इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
कीमा करेले बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। कीमा करेले बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।